आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। महेश्वर के ग्राम पंचायत चोली में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। अब देखना है इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारी क्या करते हैं, सहायक सचिव के खिलाफ कार्रवाई होगी या इस मामले पर कार्रवाई ना करके दूसरे पंचायतों को भ्रष्टाचार करने के लिए हौसले बुलंद होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उसी ग्राम के वासी रजत ठाकुर हितग्राही, साथ ही महेश्वर से हमारे संवाददाता अमन वर्मा भी मौजूद है। तो पहले तो हम जानते हैं भ्रष्टाचार का हाल खुद ग्रामवासी की जुबानी। जी रजत जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है? जो वृक्षारोपण हुआ है चोली में, जी जी, उसमें एक भी पौधा नहीं लगा है वृक्षारोपण में, सिर्फ टोटल काम पूरा कागज पे हो गया है जी। यहाँ कल जब हम देखने के लिए गए, तो मैं रोज जाता हूँ, और कल जब मेज लगाने देखने के लिए गए तो यहाँ तक कि सूखा पौधा भी नहीं वहाँ पर मिला जी। तो भ्रष्टाचार की ये हाल है जी मैम। तो हेलो, और सही समय पर जी आप सुन पा रहे? जी 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 मैम जी बोलिए। न तो सही समय पर पंचायतें खुलती है मैम जी, कोई नहीं आता। हमने कई बार इसके लिए गुहार भी लगाई है जी जी, पर अभी तक उससे चीज पे कोई भी किसी का भी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है जी। अगला सवाल मेरा हमारे संवाददाता अमन वर्मा जी से। अमन, जिम्मेदारों को क्या इस बात की भनक लगी है या अभी भी कान नींद में सो रहे हैं? क्या रवैया है जिम्मेदारों का इस ओर? हाँ मैडम, इस मामले पर कल मेरी जिला जनपद पंचायत की ओर से चर्चा हुई थी जी। तो उन्होंने बताया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है सहायक सचिव पर जी। और हमारे द्वारा जो मंडलेश्वर के जो SDM है उनसे भी चर्चा की गई थी, इससे पर उन्होंने भी बोला है कि जानकारी देते हैं जनपद पंचायत में, बाकी अभी तक कोई भी कार्रवाई सहायक सचिव पर नहीं की गई है जी। रजत जी, आप ग्रामवासी जी, ग्रामवासी पहले भी मैडम CM हेल्पलाइन का सहारा लेकर शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जनपद से उसका जवाब उनके कार्यकर्ताओं के लिए जो सहायक सचिव है उसके पक्ष में जाता है, ना कि ग्राम के हितग्राहियों के लिए जी। रजत जी, जैसा अमन वर्मा जी ने बताया कि आप लोगों ने कई बार कंप्लेन भी डाली है CM हेल्पलाइन नंबर पे, तो जब आप CM हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन डालते हैं तो क्या जवाब मिलता है उधर से? बस मैडम, जवाब यही मिलता है कि आपकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा जी, और कुछ समय बाद जब अपन उसका पूछते हैं कि अपनी शिकायत कहाँ तक पहुँचे, किस लेवल तक पहुँचे जी, तो जब इनके पास फोन आता है तो ये बोल देते हैं कि बोले नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हम ये बोले कि हमसे फ्रॉड काम करवाते तो हम फ्रॉड काम कैसे करें, मतलब उल्टा ये है ना जी, अपने ऊपर हावी हो जाते हैं और उन चीज का फिर वही कह देते कि हमसे फ्रॉड काम करवाते करवाने वाले हैं तो हमने मना बोल दिया, ऐसा जो भी उनका जो भी बोलना है वो बोल के वो शिकायत को बंद करवा देते हैं जी, ऐसा काम चल रहा है मैडम जी। जी अमन, क्या लगता है सहायक सचिव के खिलाफ कार्रवाई होगी या इस मुद्दे को बस्ते में डाल दिया जाएगा? मैडम, इस मुद्दे को भी लंबे अवस्थे में डाल दिया जाएगा, जैसे और भी पंचायतों के साथ हो चुका है। अभी कुछ समय पहले और भी पंचायतों पे हमने कार्रवाई करवाने की कोशिश की थी जी। लेकिन जो टीम गठित होती है जनपद में, जो टीम गठित होती है उपयंत्रिकी की और इनकी, तो ये जब जांच करने जाते हैं वहाँ पर तो ये सहायक सचिव के पक्ष में पंचनामा बनाते हैं, ना कि ग्रामवासियों के पक्ष में जी। ऐसा पहले भी हो चुका है और ऐसा हमेशा से होता आया है कि जो भी शिकायत जाती है तो वो सिर्फ ग्रामवासियों के पक्ष में नहीं होती, सिर्फ सहायक सचिव या सचिव के पक्ष में होती है जी। सहायक सचिव को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, पूरा प्रयास किया जाता है, सचिव को बचाने का भी प्रयास किया जाता है। और फिलहाल अभी ग्राम चोली से एक और मामला सामने आया है कि वहाँ पे जो अपात्र व्यक्ति है उनको आवास योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन जो पात्र लोग है वो बेचारे अभी भी टापरी में और कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर है। यानी कि योजनाएं जो है वो बस कागजों तक सीमित है जी। अमन, आपने इस मुद्दे पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, एक बार फिर से बताइए कि किस प्रकार भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत चोली में पैर पसार चुका है और इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक है? मैडम, जैसे हमने वहाँ पर देखा पौधारोपण चोली से बबलाई तक, तो वहाँ पे एक भी पौधा मौजूद नहीं था जी।
और इसकी पहले भी शिकायत हुई थी तो उसमें जवाब दिया गया था कि पौधे सूख चुके हैं जी। अगर पौधे सूख चुके हैं तो वहाँ पे सूखे पौधे मौजूद होना चाहिए, गड्ढे मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। दूसरी बात कि वहाँ पर जितने भी काम हुए हैं मनरेगा के अंतर्गत सारे जीसीपी से हुए जी। और जो अभी जो फिलहाल वहाँ पे काम चल रहा है वो काम मेड़ बंधन का, ये सारे काम अभी जीसीपी से ही हो रहे हैं, मतलब लगातार पूरा काम। और बेचारे जो हितग्राही हैं उनका भी जो हक का पैसा है वो सहायक सचिव द्वारा निकाल लिया जाता है और उनको पता भी नहीं रहता कि उनका पैसा गया तो गया कहाँ पे जी। और इसी शिकायत में अभी ग्रामवासियों का भी यही कहना पड़ रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो कलेक्टर ऑफिस में गुहार लगाएंगे और वहीं पे हड़ताल करेंगे जी। अमन, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इसकी जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक है, क्या लगता है ये सिर्फ सचिव तक ही सीमित है? आपको मैं बता दूं कि इसकी जड़ें बहुत दूर तक चल रही है, क्योंकि पहले भी कुछ लोग कार्रवाई करवाने की कोशिश की थी लेकिन आगे से प्रेशर इतना आ जाता है कि कार्रवाई हो नहीं पाती है जी। जी और अभी भी इस मामले पर जो हमारे जो गांव के लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी है तो उनको उनकी आवाज को दबाया जा रहा है मैडम जी। जी तो अमन, क्या लगता है इसका सलूशन क्या होगा? मैडम इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि जो सहायक सचिव द्वारा मनरेगा कामों के पैसे निकाले गए हैं, वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसके जी अमन, मसला तो मसला ही जी जी मसला ही तो यही है। दल को सही तरीके से उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए, पंचनामा सही बनना चाहिए ताकि जो दोषी है जिसने गलत काम करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो तभी मतलब जो दूसरी पंचायतें हैं जहाँ पर इस तरीके के काम चल रहे हैं उन पर रोक लगा पाएंगे। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा ही चलता रहे, उनको तो लाइसेंस मिल जाएगा जो दूसरी पंचायतें हैं भ्रष्टाचार करने का। जी अमन, जैसा कि आपने बताया कि कंप्लेन के थ्रू या फिर इस पे एक्शन लिया जाए, लेकिन सारा मसला ही यही आ रहा है कि जो हम कंप्लेन डाल रहे हैं, जो ग्रामवासियों को कंप्लेन डाली जा रही है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ना उस पे जांच हो रही है। तो ये जो कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं हो रही उस पे क्या किया जाए? पहले कुछ युवाओं ने वहाँ पर सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, आपको बता दूं वहाँ के जो सहायक है इन्होंने उन पे बहुत प्रेशर बढ़ाया। अगर कोई भी शिकायत डालता है ना, अभी हमारा एक हितग्राही था राजा सेन करके, उन्होंने भी शिकायत डाली थी तो उन पे इतना प्रेशर बनाया गया कि आप सीएम हेल्पलाइन हटा दो। मतलब आगे से तो फोन नहीं आते, ये मंत्री सचिव उनको डराते हैं और बोलते हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन हटाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।